आप लोगों ने घर में इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे बात तक नहीं की। कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया? क्यों मतलब क्या सक्षम? इस औरत ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है बेटा। आप बताइए इन्हें मेंटल असाइलम भेजना चाहिए या नहीं? ये जो कुछ भी हो रहा है यहां पे, क्या वो सही हो रहा है? अगर सही हो रहा है तो हां बोलिए मां, और अगर नहीं तो अपनी आवाज को और ज्यादा उठाइए मां। बोलिए मां, आपको किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। औरत को घर में रखने के लिए घर के बाकी सारे सदस्य की जान खतरे में डालना, क्या यह सही बात है सक्षम? अटैक मुझ पे हुआ था मिस्टर मोदी, जब अटैक मुझ पे हुआ है तो फैसला मैं करूंगा। और मैं फैसला कर चुका हूं, अब ये कहीं नहीं जाएगी। यही रहेंगे इसी घर में। बेबी, हर जगह अच्छाई का झंडा लहराने की जरूरत नहीं, ये औरत बीमार है, जाने दो इसे। अच्छा तुम बताओगी इस घर में क्या सही हो रहा है क्या गलत? ये सिर्फ मां सोचती है। बेबी तुम क्यों टेंशन ले रही हो, रिलैक्स ना। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो आज से आके घर में इनका इलाज शुरू करेंगे। अब ये कहीं नहीं जाएंगी। आप लोग जा सकते हैं। रहेगी। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ कुछ नहीं किया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ कमरे में चल के आराम करेंगे। हाँ चल थोड़ी देर आराम करें। हाँ
जरा देखो तो सही, सवेरे सवेरे कहाँ सैर सपाटा करने चली है महारानी। अरे मेरे सब टमाटर गिरा दिए। तो मैंने जानबूझ के नहीं गिरा है, सीधे सीधे चलना चाहिए था ना। अरे मेरी रिक्शा, अरे जाओ ना लेकर जाओ ना, ये रिक्शा चल गई। पर मोती भवन तो इस तरफ है, ये रिक्शा इस तरफ क्यों गई? ये तेजल का चक्कर ना पता करना पड़ेगा। इंजेक्शन दे दिया है, ये शांत रहेंगी अभी, बस ये दवाइयां आप इन्हें देते रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ डॉक्टर। वैसे तो सुभद्रा बहन शांति रहती है, पर अचानक उत्तेजित हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, किसी पर आक्रमण करने लग जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए ये भी ठीक से कहना मुश्किल है, आप ये दवाइयाँ शुरू कर दीजिए, आई एम श्योर फिर ऐसा नहीं होगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मुझे पूछना था कि वो इस इलाज से ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगी? पता नहीं, फिलहाल ये दवाइयाँ शुरू कीजिए, समय के साथ साथ देखते हैं क्या असर करती हैं, फिर उसी हिसाब से इलाज शुरू करेंगे। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर ड्रॉप कर देता हूँ। धन्यवाद। मीना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे बताऊं आपको मिथि बहन, मैं मजबूर हूं। बोलना पड़ता है कॉल सेंटर में। हार्ट अटैक दिलाएंगे क्या आप? ऊपर क्यों खड़ी है, खा जाओगे? मैं तो जमीन पर खड़ी हूँ। वेरी बैड जोक। कहाँ से आ रही हो? कहाँ जा रही हो, जब पूछा था तब बताया था ना। तो एक बार फिर से बताने में तकलीफ हो रही है तुझे? हाँ बता कहाँ से आ रही है। माँ से मिलने गई थी। अच्छा, मेरी आशी से बात हुई, उसने तो कहा कि तू वहां गई ही नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं घर पर मिलूंगी माँ से, मैं बाहर गई थी, हम बाहर मिले थे। आपका हो गया, मैं जाऊं? हाँ हटिए। कुछ तो छुपा रही हो तुम तेजल मुझसे। भाग, जितना भागना है ना भाग, एक ना एक दिन रंगे हाथों मैं तुझे पकड़ ही लूंगी। Sorry. It's okay. What चल रहा है? सुभद्रा जी के नाखून काफी जोर से लग गए आपको। मैं समझ सकती हूँ उन्हें यहाँ रखने का आपका निर्णय काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। हाँ गोपिका, मुश्किल तो था, तुमने देखा ना दोनों माँ में कितनी टेंशन चल रही थी, पक्का दोनों में झगड़ा हुआ होगा। लेकिन मैंने ये सिर्फ माँ के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी किया था। मेरे लिए? मैं समझ गया था कि तुम्हें उनके साथ रहने कितना अच्छा लग रहा है, जब वो तुम्हारे पास होती है तुम उनकी कितनी केयर करती हो, तुम्हें अपनी सी लगती हो, और इस हालत में अगर वो यहाँ से चली जाती तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, है ना? पता नहीं क्या कनेक्शन है सक्षम जी उनके साथ, लेकिन जब मैंने देखा कि आपका दम घुट रहा था, मैं बहुत डर गई थी सक्षम जी। अब रोना नहीं है, अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और गोपिका वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे कुछ नहीं हो सकता, और फिर मैंने तुमसे तो सीखा कि अपने परिवार के लिए खुद को जोखिम में डालना, और तुम मेरे लिए देखो ना पूरे परिवार के आगे पूरी बट रही हो, हमारे लिए पूरे परिवार के लिए उस प्रिया से लड़ रही हो। सक्षम की जान लेने वाली को घर में रखा और घर की बड़ी बहू को घर के बाहर पत्थरों पे सोना पड़ा,
ये कैसा इंसाफ है सासू मां की? इन्हें दोनों बेस्ट मदर इन लॉ नहीं बेस्ट मर्डर इन लॉ का अवार्ड मिलना चाहिए। सारे अरमानों का मर्डर जो कर दिया। सक्षम से पूछती हूँ भूत ना दयावान क्यों बन रहा है? गोपिका इसके लिए भी हिम्मत चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास है। इसी बहाने थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा।